जिस खिलाड़ी ने एक टीम को अपने 10 साल दिए हो, वही टीम अगर उस खिलाड़ी को अचानक ही टीम से बाहर कर दे तो फिर सवाल उठने लाजमी है। इस सवाल के जवाब में सामने आए सीएसके के बॉस, लेकिन कुछ ऐसी बातें कहीं जो किसी के गले के नीचे नहीं उतर रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूँ राजीव मिश्रा। सबसे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। ये बड़ी खबर है सीएसके कैंप से आई है, जहाँ पर सीएसके की वेबसाइट से पहले सुरेश रैना की फोटो हटा दी गई और उसके बाद सीएसके की जो बस है दुबई में, वहां से भी सुरेश रैना की फोटो गायब कर दी गई है। इसके सीधे संकेत आप समझ सकते हैं कि सीएसके टीम मैनेजमेंट अब सुरेश रैना को वापस टीम में नहीं चाहती। वेबसाइट की तस्वीरें आपके सामने हैं, सुरेश रैना की तस्वीर वहां आपको नजर नहीं आ रही है। साथ ही सीएसके बस पर से भी सुरेश रैना की फोटो हटा दी गई है, जो दुबई में मैदान और मैदान से होटल तक का सफ़र तय करती है। वहाँ पर सुरेश रैना की फ़ोटो थी पहले बस में, लेकिन अब वहाँ से वो फ़ोटो हटा दी गई है। दो बड़ी खबरें, पहले वेबसाइट से फ़ोटो हटाना, फिर टीम बस से फ़ोटो हटाना, क्या कुछ संकेत देता है उस पर एक बड़ी और विस्तार से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए और उसको समझिए ज़रा कि 24 घंटे पहले श्रीनिवासन कुछ और बात कहते हैं, 24 घंटे के बाद कुछ और बात कहते हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आती हैं वो हर किसी को हैरान करती हैं। क्योंकि श्रीनिवासन ने आज एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि उनके बयान को तोड़ और मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, वेबसाइट से सुरेश रैना का नाम गायब है, वहां से तस्वीरें हटा दी गई, जो टीम बस है वहां से सुरेश रैना की फोटो हटा दी गई, इसका क्या कुछ संकेत आप समझते हैं, सबसे पहले वो देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। ध्यान से देखिए, जरा गौर से देखिए, चेन्नई सुपर किंग की बस को देखिए या फिर आईपीएल की वेबसाइट पर सीएसके की टीम को देखिए, रैना आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। जब ये टीम जाती है प्रैक्टिस के लिए या मैचेस के लिए तो वो ये बसेस को यूज करते हैं, तो मैं आपको अभी उसकी पिक्चर दिखा रहा हूँ और आप इसे देखिए कि इस पिक्चर में आप देखेंगे कि धोनी साहब है और पूरी टीम लगी हुई है, लेकिन इसमें सुरेश रैना का पिक्चर नहीं है। देख लिया ना आपने, ये दुबई में चेन्नई की बस का नया पोस्टर है। जिस टीम में रैना कभी स्टार खिलाड़ी हुआ करते थे, आज टीम ने उनको टीम बस के साथ साथ वेबसाइट से भी उनकी फोटो हटा दिया है। उसमें आपको धोनी दिखेंगे, सांटना दिखेंगे, ब्रावो दिखेंगे, आपको पीयूष चावला दिखेंगे, शेन वॉटसन दिखेंगे, सांटना दिखेंगे। कितनी बेहतरीन टीम है ये, 11 अच्छे प्लेयर हैं। ये दुबई से इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जहां टीम चेन्नई सुपर किंग की कभी पहचान रहे सुरेश रैना के साथ जो कुछ बर्ताव सीएसके मैनेजमेंट कर रहा है, उस बात की उम्मीद तो हम सब भी नहीं कर रहे थे। क्योंकि आज जो बयान दिया श्रीनिवासन ने, उन्होंने कहा कि वो सुरेश रैना की वापसी के रास्ते खोल सकते हैं, बशर्ते अगर सुरेश रैना आने को तैयार हो। लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, टीम बस की तस्वीरें या हम वेबसाइट की तस्वीरें, वो तो कुछ और ही इशारा कर रही हैं। और हमारे साथ हमारा दोनों खास मेहमान जुड़ गए हैं, रितेंद्र सोडी हमारे साथ हैं और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। रितेंद्र, बड़ा चौंकाने वाला कहानी सामने आ रही है,
24 घंटे पहले तो सीएसके के जो बॉस हैं श्रीनिवासन, उनका ये कहना था कि सुरेश रैना पुरानी एक्ट्रेस की तरह बर्ताव कर रहे हैं, जिद पे काम कर रहे हैं। आज उनका स्टेटमेंट आता है कि उनके बयान को बहुत तोड़ और मरोड़ कर पेश किया गया। वो सुरेश रैना की वापसी की बात कर रहे हैं और सडनली अब जो तस्वीरें आती हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज़ हमने दिखाई कि वेबसाइट से भी सुरेश रैना का नाम गायब और बस से भी सुरेश रैना की तस्वीरें हटा दी गई, क्या मायने निकाले जाएं इसके? जी हाँ राजीव, स्पेकुलेटिव है, मुश्किल है कि एक्चुअली क्या कारण है। पर्सनल रीजंस बताए जा रहे हैं, बहुत पर्सनल मुश्किलों से निकले हैं सुरेश रैना, तो वहां पे अगर फोकस नहीं हो रहा था, उन्होंने सही समझा वापस आना, तो अभी वो कितना उसमें एक्चुअली डिटेल्स आती हैं हमें धीरे धीरे पता चलेगा। बट ऑल सेड एंड डन, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली ये सीएसके के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उनके मेन प्लेयर जो इतना अच्छा कर रहे हैं इतने साल से, वो अगर अवेलेबल पूरा सीजन नहीं होंगे तो मुश्किल हो सकती है। बट अगर सुरेश रैना वापस भी जाते हैं तो आई एम श्योर एसेट होंगे टीम के लिए, बट दिस इज इंटायरली ऑन सुरेश रैना, वो क्या चाहते हैं वो इनका, ये सुरेश का प्रेरोगेटिव है, तो वो जो डिसाइड करेंगे अपने हित के लिए डिसाइड करेंगे। और अगर वो मेंटली फोकस्ड पूरे हैं, अगर पूरा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, तो जरूर दुबई जाएं और सीएसके के लिए खेलें और अच्छा करें। राजकुमार जी, आप कैसे देखते हैं 24 घंटे में जो कुछ बदलाव हुए हैं सीएसके के बयान की तरफ से? अभी तक सुरेश रैना ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वो क्यों आए हैं, लेकिन सीएसके के दो बयान आ गए 24 घंटे में। 24 घंटे पहले श्रीनिवासन का ये कहना था कि सुरेश रैना की सफलता जो है उनके सिर पे चढ़ के बोल रही है, वो पुरानी एक्ट्रेस की तरह बिहेव कर रहे हैं जो जिद बहुत करती थी किसी काम को लेके। आज उनका बहुत नरम एक बयान आता है जहां पर वो कहते हैं टीम सुरेश रैना के साथ खड़ी है। इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है वो दाल में काला है, और दाल ज्यादातर काली सीएसके टीम मैनेजमेंट की तरफ से है। बिल्कुल राजीव, देखिए कोई ना कोई वजह तो जरूर है जिस वजह से इस तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी बयान आए हैं, और वो भी श्रीनिवासन जैसे इंसान की तरफ से कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर वजह है। इतनी बड़ी वजह है कि सुरेश रैना ने ये भी कह दिया कि मैं बिल्कुल ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं पूरे सीजन नहीं खेलूंगा, तो कुछ ना कुछ वजह है। अगर सिर्फ कोविड की परेशानी होती तो बाकी लोग भी बहुत, सभी प्लेयर्स वहां पर हैं, सभी का ख्याल रखा जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि खाली ये कोरोना की वजह से ऐसा हुआ होगा, और कुछ ना कुछ जरूर रहा है। वो अभी आने वाले दिनों में शायद आप लोगों को हमारे से पहले मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ है। बिल्कुल, और सिर्फ बालकनी को लेके कप्तान और सुरेश रैना के बीच में तनातनी नहीं हो सकती। बतौर कप्तान जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी बर्ताव कर रहे हैं वो थोड़ा सा सवालों के घेरे में है, और खासतौर से सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी की दोस्ती जितनी अच्छी थी, अचानक ऐसे सुरेश रैना के साथ क्या हो जाता है कि उनको टीम का साथ छोड़ना पड़ता है, जिस कप्तान के साथ वो रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में रितेंद्र, उस कप्तान का साथ छोड़ना पड़ता है? ये मामला सिर्फ बालकनी को लेकर तो नहीं हो सकता? जी हाँ राजीव, वही, क्योंकि उनका वापस आना और अब आईपीएल के लिए जैसे वो शेर माने जाते हैं, इतना अच्छा चेन्नई के लिए करते रहे हैं, अगर हम पिछले सीजन्स की बात करें तो जी हाँ, इसमें कोई बड़ा कारण है, बट अभी जैसे राजकुमार जी ने कहा, स्पेकुलेशंस बहुत आ रही हैं, रोज कोई ना कोई बात आ रही है, तो अब इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर सुरेश रैना नहीं जाते हैं, ये बात तो तय है कि जिस नंबर पे वो खेलते हैं वहां पे उनको नया खिलाड़ी खिलाना होगा, और जिस फॉर्म में वो रहे हैं आईपीएल में, सुरेश रैना का सीएसके के लिए मौजूद ना होना, इट कैन बी बिग प्रॉब्लम्स। चलिए, क्या कुछ पूरा मामला था वो आपको डिटेल में दिखाते हैं, बहुत विस्तार से आपको समझाते हैं कि जब सुरेश रैना दुबई छोड़कर हिंदुस्तान पहुंचे तो क्या कुछ रिएक्शन थे। हालांकि उन्होंने अभी तक इस मामले को अपना पर्सनल मामला बताया है, यानी कि जो कुछ उनके परिवार के साथ घटा है वो एक बड़ा रीज़न है, कोरोना जिस तरह से फैला चेन्नई सुपर किंग में वो एक रीज़न है, लेकिन असली रीज़न जो है वो चेन्नई सुपर किंग के मालिक श्रीनिवासन ने बताया। तो चलिए, जो जो कुछ भी कहानी आपने देखी दुबई
दुबई की ये कहानी थी, दुबई से कहानी हिंदुस्तान पहुंच चुकी है और हिंदुस्तान में क्या कुछ रिएक्शंस आए हैं चेन्नई सुपर किंग की तरफ से वो भी आपने देखे। रितेंद्र, अगर 11 करोड़ रुपए एक सीजन के आपको मिल रहे हों और वजह ये बताई जाए कि बालकनी की वजह से आप ये टूर्नामेंट छोड़ के जा रहे हैं, तो किसी के गले के नीचे नहीं उतरेगी, मामला तो है कुछ और। अब आप बताएं, अगर आपको 11 करोड़ मिल रहे हों और अगर आपको स्वीट ना मिले तो क्या आप टूर्नामेंट छोड़ देंगे? राजीव, सबसे बड़ी बात है जो आपको ऑनर आईपीएल खेल के मिलता है, ठीक है, इंसेंटिव्स हैं, बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स हैं, तो वो तो छोड़ने का मतलब बनता ही नहीं है। बट एंड ऑफ द डे देयर हैज टू बी सम बिग रीजन। कोविड वो कारण है, उनकी फैमिली के साथ बड़ी ट्रेजेडी यहां पे हुई है वो कारण है, या क्या कारण है तो ये सुरेश रैना बेहतर जानते हैं। बट एंड ऑफ द डे सुरेश रैना के साथ मैं यहां पे इसलिए जाना चाहूंगा क्योंकि अगर आप मानसिक स्थिति में नहीं है खेलने के इतने प्रीमियर टूर्नामेंट में, तो शायद अगर आप क्विट करते हैं वो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर सुरेश रैना फील करते हैं कुछ दिनों में कि वो वापस जा सकते हैं, तो जैसे अभी श्रीनिवासन जी ने कहा है, धोनी ने कहा है कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं, तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अगले जो दिन है वो क्या लेके आते हैं। नहीं रितेंद्र, महेंद्र सिंह धोनी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, श्रीनिवासन से उन्होंने बातचीत की और धोनी ने यहां तक कह दिया कि उनके पास रिप्लेसमेंट तैयार है, वो उनके पास कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जिनको वो तैयार करेंगे इस सीजन में। ये तो सीधा संकेत देता है कि कप्तान भी नहीं चाहते कि टीम में आए, लेकिन मामले को थोड़ा रफा दफा करने के लिए श्रीनिवासन का अगला स्टेटमेंट आया है, तो टीम में रिफ्ट तो है, ये तो हर कोई समझ सकता है। राजीव जी, हाँ देखिए, ये अब कहना, यहाँ पे आप और मैं बात करेंगे तो हमें भी एग्जैक्टली क्या पोजीशन है, अगर धोनी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो क्या रिफ्ट है या नहीं है, क्योंकि जैसे रिटायरमेंट आई थी कुछ दिन पहले, दोनों ने इकट्ठे रिटायरमेंट दी थी और जैसे इनकी आपस में दोस्ती है, आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, तो रिफ्ट होने का सवाल लगता नहीं है। बट ये कुछ दिनों में क्या घटा है तो ये तो रहना या टीम मैनेजमेंट बेहतर जानती है। चलिए रितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ।